गणेश चतुर्थी हिंदुओं का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान गणपति माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर प्रकट हुए, इसलिए आज के दिन को अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और 10 दिन तक उनकी पूजा की जाती है। इन मूर्तियों को अपने घरों में और सार्वजनिक स्थानों पर भी स्थापित किया जाता है। 10 दिन तक इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा अर्चना के अंग के रूप में नृत्य संगीत का आयोजन होता है, भजन कीर्तन का आयोजन होता है और प्रार्थनाएं की जाती है। और ठीक 10वें दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को किसी जल कुंड या पास के नदी या समुद्र में प्रवाहित कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा आराधना करने से जिंदगी के सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। और जब भगवान गणेश 10वें दिन प्रस्थान करते हैं, जब उन्हें जल में विसर्जित किया जाता है, उस विसर्जन के साथ साथ ही मनुष्य के जीवन की सारी विघ्न बाधाएं और दुख भी विसर्जित हो जाते हैं। जितना ही गहरे में यह आस्था होती है, उतना ही तीव्रता से उसको परिणाम प्राप्त होते हैं। वास्तव में विचार शक्ति के विज्ञान का सार भी यही है कि अगर आप रोए रोए से पूरे प्राणों से किसी बात को मान लेते हैं तो सारा अस्तित्व सक्रिय हो जाता है उस सत्य को साकार करने के लिए, और वह सत्य साकार होकर ही रहता है। यह विवाद का विषय हो सकता है कि भगवान गणेश कुछ करते हैं अथवा नहीं करते हैं, लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि भगवान गणेश के प्रति अगर आपकी आस्था है और आस्था पूरी है, आस्था गहरी है, भगवान गणेश के नाम पर गहरी और पूरी आस्था का परिणाम यही होगा कि आप विघ्नों के, संकटों के, दुखों के जाल से मुक्त हो जाएंगे। गणेश चतुर्थी के इस आयोजन के 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं। पहला आयाम है भगवान गणपति की प्रतिमा की अपने घर में स्थापना करना। दूसरा आयाम है 10 दिन तक लगातार नृत्य गीत संगीत और भजन कीर्तन प्रार्थना के साथ उनकी पूजा पाठ और आराधना करना। और तीसरा आयाम है ठीक 10वें दिन भगवान गणपति की प्रतिमा को नदी अथवा समुद्र के जल में प्रवाहित करना। और ये 3 आयाम मनुष्य के जीवन से बहुत गहरे में जुड़े हैं। प्रतिमा की स्थापना करने का अर्थ है जन्म प्राप्त करना, और 10 दिन पूजा पाठ आराधना नृत्य संगीत के साथ करने का अर्थ है आपका जीवन काल, और 3रा आयाम है प्रतिमा का विसर्जन, यानी जिसे हम कहते हैं मृत्यु, मिटना। मनुष्य के जीवन में भी यही 3 आयाम होते हैं, जन्म, जीवन और मृत्यु। तो भारतवर्ष के ऋषियों ने महत्वपूर्ण संदेश दिया कि जीवन में अध्यात्म के नाम पर जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म, जीवन काल और मृत्यु तीनों को उत्सव और महोत्सव के रूप में ही जीना चाहिए। इस महोत्सव के अंत में मूर्ति का विसर्जन किया जाना एक महत्वपूर्ण प्रतीक है इस संदेश का कि मूर्ति तो एक विधि है, एक उपाय है, जिसके द्वारा हम अमूर्त की ओर, जो निराकार है, उससे अपना संबंध जोड़ते हैं। और जब वह संबंध जोड़ने की कला हमें आ जाए, तब हम उस मूर्ति को विसर्जित कर देते हैं, यानी वह सिर्फ एक माध्यम है। हमें मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है। मूर्त से अमूर्त की ओर जाने की कला है पूजा करना। जब पूजा या ध्यान के माध्यम से हम मूर्त से अमूर्त में प्रवेश कर जाते हैं, तब जिस माध्यम से, जिस विधि से उस अमूर्त से संबंध जोड़ लेते हैं, वह माध्यम हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है। फिर उस माध्यम को हम छोड़ देते हैं, उस माध्यम को विसर्जित कर देते हैं। इसलिए मिट्टी की प्रतिमा
एक माध्यम है उस निराकार परम शक्ति से संबंध जोड़ने का, और एक निर्धारित समय पर पूजा प्रार्थना ध्यान की अवस्था से गुजर जाने के बाद उसकी भूमिका समाप्त हो जाती है, तब उसका विसर्जन कर देना अनिवार्य है। उदाहरणार्थ, हम नाव से सवार होकर नदी के उस किनारे पहुंचते हैं, लेकिन जब उस किनारे पहुंच जाते हैं तो नदी के उस पार पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम अपनी नाव को छोड़ दें। नाव पर अगर बैठे रहे तो हम उस पार कभी नहीं पहुंच पाएंगे। उस पार पहुंचने के लिए नाव का छोड़ना भी जरूरी है। इसलिए मूर्ति की स्थापना, मूर्ति का पूजन और उसके बाद मूर्ति का विसर्जन भी अनिवार्य है। वास्तव में हिंदू अत्यंत हिम्मतवर लोग थे जिन्होंने भगवान की प्रतिमा बनाने के बाद उसे विसर्जित करने का भी साहस किया। दुनिया में और कोई दूसरी कौम भगवान की प्रतिमा बनाने के बाद उसका विसर्जन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन इतनी प्रज्ञा, इतना गहरा बोध भारतवर्ष के ऋषियों का रहा कि उन्होंने उस प्रतिमा को विसर्जित करने का साहस किया। उनकी समझ कहती है कि इस अस्तित्व में हर चीज़ आती है और चली जाती है, आती है और चली जाती है, आती और चली जाती है, आने और जाने का एक क्रम है। इसलिए मूर्ति की स्थापना, उसका पूजन और फिर उसका विसर्जन। इसलिए मूर्ति को स्थापित करना और मूर्ति का विसर्जन करना अनिवार्य आयाम है जीवन के। और साथ में ये महत्वपूर्ण संदेश भी दे दिया कि जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों को महोत्सव के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए।